ಸರ್ಕಾರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನತಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನತಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಸ್ವಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ महकमा सेहत सिंध ने जैकबाबाद के सिविल अस्पताल को बंद करने का मंसूबा बना लिया। मजीद डॉक्टर्स का जिम्स इंस्टीट्यूट तबादला कर दिया गया। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी डट गया। हेल्थ अलायंस ने सिविल अस्पताल बहाली तहरीक का ऐलान कर दिया। पीर से रोजाना 2 घंटे की हड़ताल शुरू हो गई। पीर को डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले ने बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। अस्पताल में हाँ इन मतलब आज सिविल हॉस्पिटल सफा तबाह थी वे अस इन के ताला हणी छूँ जो कम थे तो वो भी न थे ना वो एमरजेंसीज कंदा ना एमएलसी कंदा वो सब सिविल हॉस्पिटल में थी वन ये भी न थी तो आखिर काथे थन्दा ये पेशेंट्स काडे वेंदा डेड बॉडीज काडे वेंदी एमएलसी के लिए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जैकबाद के डॉक्टर हसन खोसो ने कंज्यूमर न्यूज को बताया कि सिविल अस्पताल जैकबाद में अक्सर शोबे बंद हो चुके हैं। आज हम वाइड ये प्लेटफॉर्म से जिसमें जीएचए में वाईडीए पीएमए पैरामेडिक्स और नर्सेस शामिल हैं, हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारे जो 19 डॉक्टर गैरकानूनी तौर पे जिम्स मोकले गए हैं वो सिविल हॉस्पिटल भेजे जाएं, जो डॉक्टर पहले से वहाँ पर मौजूद हैं वो वापस किए जाएं और सिविल हॉस्पिटल के तमाम शोबों को जो है मुकम्मल बहाल किया जाए, ये हमारे मुतालबे हैं। हमारी तहरीक हमारे मुतालबों की पूरा आज तक जारी रहेगी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सिविल अस्पताल समेत दीगर तालुका अस्पतालों से भी जिम्स इंस्टीट्यूट में तबादला किए गए डॉक्टर्स को वापस लाया जाए, हालिया तबादलों का नोटिफिकेशन भी मनसूख किया जाए और सिविल अस्पताल के तमाम शोबों को बहाल किया जाए। इसके अलावा जिम्स में भी हंगामी इमदाद का शोबा फाल किया जाए। इससे कबल यंग डॉक्टर्स की कोशिशों से डिप्टी कमिश्नर जैकबाद की जानिब से कायम की गई हेल्थ कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया है। कमेटी अराकीन ने सिविल अस्पताल का दौरा करके अफरादी कुवत की शदीद कमी, आलात, ऑपरेशन थिएटर का खुद जायजा लिया था। अख्तर शाहिन, कंज्यूमर न्यूज, कराची।